व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टू व्हील नोमैड्स। आज हम जा रहे हैं एक छोटे से शॉर्ट राइड पे टू कोलाघाट। इट्स अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता एंड इट यूजुअली टेक्स अराउंड 85 मिनट्स टू रीच। टाइम हो रहा है अभी 3:30 PM। सुबह जाने वाले थे बट उठ नहीं पाए, सो अभी दोपहर का टाइम ही जा रहे हैं। ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड हियर? पता नहीं क्या हुआ। रिपेयरिंग हो रहा है गैस। सो जैसा कि मैं कह रहा था, सुबह उठ नहीं पाया, सो अभी दोपहर को जा रहा हूँ। होपफुली वी शुड रीच बाय अराउंड 5 PM। और अभी भी लॉकडाउन चल रही है बट जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी तो सड़क पे है। इट्स काइंड ऑफ पार्शल लॉकडाउन। सो 9 PM तक फ़िलहाल रेगुलेशन है टू गो आउटसाइड, उसके बाद घर पहुँचना है। सो वी विल रीच होम बिफोर दैट, नो वरीज। सो चलो देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट राइड पे निकले बहुत दिनों बाद। लास्ट हम लोग दार्जिलिंग गए थे एज यू कैन सी, तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन टू सी आर एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक ठोकी और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो अभी वी हैव रीच्ड द टोल बूथ। और बाप रे, आज काफ़ी भीड़ है, पता नहीं क्यों। इतना भीड़ तो यूजली होता नहीं है, गॉड नोज व्हाई। वी विल बी टेकिंग द कोना एक्सप्रेसवे। लकीली बाइक्स की एटलीस्ट टोल की ज़रूरत नहीं है, सो जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए। पता नहीं, होपफुली जल्दी निकल जाओ। हाँ ठीक है, निकल गया। सो लेफ्ट इज़ आंदूल एंड राइट, टुवर्ड्स राइट इज़ कोना एक्सप्रेसवे वेयर वी विल बी गोइंग। सो वी फाइनली रीच्ड खुले सड़कें। अभी यहाँ पे और जैम नहीं मिलेगा। यहाँ से पूरा ओपन रोड्स। वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स और अराउंड 60 किलोमीटर्स बाकी है। वाह, बोलते ना बोलते जैम मिल गया। पूरा इंसल्ट करा दिया मेरा यार। वी आर करंटली इन NH 117। इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, क्या ही बोलूँ अब। अरे हटो भाई हटो, खुले सड़कें देखो यार मुझे। यार लॉकडाउन है तब भी इतने लोग हैं। मतलब सब लोग क्या कोलाघाट जाने के निकले हैं आज? पता नहीं। आई थॉट द स्ट्रीट्स विल बी डिजर्टेड बट यहाँ तो उल्टा ही लग रहा है। यहाँ तो यूजुअल से ज़्यादा भीड़ लग रहा है अभी। पता नहीं, मे बी टाइमिंग। तो यूजुअली हम लोग सुबह जाते हैं कोलाघाट, आज शाम के वक्त जा रहे हैं तो मे बी। और अब सामने से विल टेक दी लेफ़्ट लेन। द स्ट्रेट रोड गोज़ टू डानकुनी एंड बर्धमान आई बिलीव। और अभी कोलाघाट जाने के लिए वी विल टेक अ डिवर्जन टुवर्ड्स लेफ्ट। So now we have diverted from NH 117 to NH 16 और यहाँ पे होपफुली और जैम नहीं मिलना चाहिए इसके बाद। मतलब जैम तो मिलेगा बट यू नो दिस इज़ द प्रॉपर एक्सप्रेस वे। यहाँ पे आप अपनी बाइक या गाड़ी की इंजन प्रॉपरली खोल सकते हैं। एक बात अच्छा है, वेदर थोड़ा आज क्लाउडी है, वरना अभी तो 4 बज रहा है, अभी तो बहुत धूप होनी चाहिए थी बट लकीली इट्स क्लाउडी। सो वेदर इज़ सॉर्ट ऑफ प्लेजेंट, फिलहाल ज़्यादा गर्मी नहीं है। बाप रे, काफ़ी जैम है, वो भी ब्रिज में। यूजुअली तो इतना जैम होता नहीं है। क्या हो गया यार आज? अरे बाप रे, इतना जैम मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो भी इस एरिया ऑफ द हाईवे। अरे बाप रे, सब जगह ही जैम है यार। क्या हो क्या गया है कुछ? यार मैंने जिंक्स कर दिया, बोला था इसके बाद जैम नहीं मिलेगा। आप देखो, बाप रे। आई शुड लर्न टू कीप माई माउथ शट फ्रॉम नाउ ऑन। अबे आज ही को जैम होना था क्या? आज ही को इतना जैम होना था क्या? इतना जैम तो यूजुअली होता नहीं है। वही तो, बाप रे, पहला बात देख रहा हूँ। 15 मिनट हो गए एंड नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन इतना जैम इस हाईवे पे। पता नहीं आज ही होना था क्या? मतलब मैं 4 महीने बाद निकला राइड पे, 4 महीने बाद, और आज ही दुनिया का सबसे बड़ा जैम होना था इसी एक्सप्रेसवे पे। लकी मी। आई एम क्यूरियस कि ये जैम हुआ क्यों। आई एम रियली क्यूरियस टू, मुझे सामने जाके लाइक देखना कि भाई हो क्या रहा है ये। जाने दो, जाने दो। अरे बाप रे बाप। अच्छा, यहाँ पे नया सड़क बन रहा है, उसीलिए आई गेस ये जैम हुआ है। बिकॉज हाँ, यहाँ जा रहा है, जा रहा है भैया, जा रहा है, जगह नहीं, कैसे जा रहा। ओह यार, पूरा राइड का मूड ऑफ कर दिया यार। हाँ चलो, अंकल के पीछे पीछे चलते। अंकल नोज द बेस्ट वे। हाँ एकदम ऑफ रोडिंग करते हुए। हाँ थोड़ा एम्प्टी हुआ आई गेस। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ आगे और मत होना जैम, प्लीज़ गॉड। वी हैव रीच्ड द धूलागढ़ टोल। अरे बाप रे, धूलागढ़ टोल प्लाज़ा हम पहुंच चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक। तब तक औरों का भी वेट कर लेता हूँ। सी यू गाइज लेटर। बाप रे, काफ़ी ख़तरनाक जैम था। वी आर इन धूलागढ़ नाउ। वी हैव कवर्ड 25 किलोमीटर्स और अराउंड 40 किलोमीटर बाकी है, विच विल टेक अस अराउंड एन आवर, अगर ऐसा फालतू जैम आगे नहीं हुआ तो। द टाइम इज़ 4:15 PM। जैम के वजह से यार काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, बट चलो होपफुली आगे रास्ता बटर स्मूथ होगा। और यहाँ से लेफ़्ट लेने से फुलेश्वर बोल के एक तो स्मॉल पिकनिक स्पॉट आता है, विच इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम कैलकाटा, बट वी विल नॉट बी गोइंग देयर because we will be going to Golaghat. So onwards and forwards. और हम लोग अभी 50 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं। कोलाघाट इज़ अबाउट लेट्स आई गेस 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और हमें कितना टाइम लगा? अभी 4:40 हो रहा है, तो हमें 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा लग गया है एंड वी शुड रीच इन अराउंड 20 मिनट्स अगर यही स्पीड हम मेंटेन करें तो। और लेफ़्ट में देखिए कुछ बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पता नहीं क्या है, बहुत दिन से देख रहा था कुछ बन रहा है। फाइनली वी कैन सी 2 टॉल स्ट्रक्चर्स, पता नहीं क्या है। जिसको पता है कमेंट में लिख दीजिए और सबको बता दीजिए कि यह क्या है। यह आपकी जिम्मेदारी है। ओके या जस्ट लेट अस नो बिकॉज आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़। और फाइनली हम लोग कोलाघाट ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। 1 किलोमीटर लेफ्ट और कोलाघाट पहुँचने के ठीक पहले एक मस्त ब्रिज आता है जहाँ पे सब लोग यूजुअली सेल्फी खींचते हैं कोने पे, बट आज कोई नहीं खींच रहा है। लेफ़्ट में देख सकते हैं मस्त रेलवे ब्रिज है, राइट में कुछ नहीं है, पानी ही पानी है। और मैं सीधा जा रहा हूँ ब्रिज के ऊपर। अरे यार, यही पे तुमको आना है क्या? लगता है इन लोगों को भी सेल्फी खींचना है। नहीं, सेल्फी नहीं खींचना है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, और लोगों को सेल्फी खींचना है क्या? वो रुक गया क्या? सेल्फी खींचना है तुझे? सेल्फी खींचना है तुझे? तुझे सेल्फी लेना है क्या? हाँ, अभी तो वहाँ से रास्ता है घूम के। चल 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 लोग आगे चल पहले। और फाइनली हम लोग कोलाघाट पहुँच चुके हैं। इट टुक अस एग्जैक्टली 85 मिनट्स टू रीच हियर। मतलब और जल्दी पहुँचते का जैम नहीं होता है। और जब भी हम कोलाघाट आते हैं हम लोग एक जगह ज़रूर जाते हैं। और इसी के साथ द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज वीडियो KFC। यूज़ द प्रोमो कोड नोमैड एंड गेट 95% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। कंडीशंस अप्लाई। खुला है कि नहीं? अच्छा खुला है। चलो खाने को कुछ अच्छा मिलेगा। अरे बाप रे, कितना बज रहा है? 4:55। हाँ एग्जैक्टली 85 मिनट्स। एग्जैक्टली 85 मिनट्स। वाह, क्या प्रेडिक्शन किया मैंने। तो खिलाएगा तो आज है? अरे 4 महीने बाद तेरे बाइक भी ठीक हो गया। इसी खुशी में थोड़ा ट्रीट वीड मांगता। ओह माय फेवरेट सुअर जा रहे हैं। देख भाई, भाई तेरा फेवरेट और गो तेरा फेवरेट। वाह, बच्चा को पकड़ के ले जाएंगे ना डिक्की में बढ़ के। बाप रे, बटालियन जा रहा है भाई। बाप रे चलो चल और गो, शुभकामनाएं। देरी नहीं। 4 महीने बाद फरवरी में हम लोग दार्जिलिंग गए थे। उसके बाद 4 महीने बाद हम लोग बाइक लेके निकले। एक तो था लॉकडाउन और सेकंड था अभी लॉकडाउन चल रहा है बट फिर भी थोड़ा सा पार्शियल लॉकडाउन है। हाँ और सेकंड है मेरा बाइक। 2 महीने तक घर में सोया हुआ था। बाइक का पार्ट्स नहीं मिल रहा था। बाइक स्टार्ट प्रॉब्लम आ रहा था। तो फाइनली 4 महीना बाद आया। तो अभी कोलकाता से कोलाघाट आया। 75-76 किलोमीटर है। पता नहीं कैसा लग रहा। 75 किलोमीटर लग रहा है, 600 किलोमीटर है। जाते वक्त थोड़ा कम लगेगा। हाँ जाते वक्त कम लगेगा, कोई बात नहीं। ये एक टेस्टिंग बोल सकते हैं कि हम लोग का अभी औकात क्या है 4 महीना बाद कैसा हूँ वो देखने के लिए देखता हूँ। और नेक्स्ट मंथ अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो वी विल बी गोइंग समवेयर। हाँ अभी तक डिसाइड नहीं आया। होपफुली मुकुटमणिपुर या अयोध्या, मतलब पास में जाना। ज़्यादा उड़ना नहीं है अभी। मेन प्लान सिक्किम अक्टूबर नवंबर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में सिक्किम बड़ा हो रहा है। सिक्किम देखते हैं। KFC में ऑर्डर किया चिकन और वो खिला रहा है हम लोग को। शानू खिला रहा है। हाँ फिलहाल मैंने पे कर दिया हूँ। बाद में नहीं मिलेगा वो उसको पैसा मेरे पास है। ठीक है, मिलते हैं खाने के बाद।